नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। आज नीतीश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बता दें आपको कि बजट सत्र समेत कई अहम मुद्दों पर आज मुहर लग सकती है। ऐसे में आज 11:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है। बता दें आपको कि इन दिनों सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन आज लगभग 13 दिनों बाद ये बैठक एक बार फिर बुलाई गई है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी यात्रा पर निकलने वाले हैं। क्या कुछ खास होने वाला है आज की इस कैबिनेट की बैठक में, वो भी हम आपको समझा देते हैं। आज सीएम नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं। ये बैठक मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में होगी। इस मीटिंग में बिहार विधानमंडल के बजट सत्र समेत कई एजेंडों पर मुहर लग सकती है। ये बैठक लगभग 13 दिनों के बाद होने जा रही है। इस बार के कैबिनेट बैठक के समय में भी बदलाव किए गए हैं। ये बैठक सुबह 11:30 बजे से शुरू हो जाएगी। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अपनी समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। इस बार काफी लंबे अंतराल के बाद उनके कैबिनेट की बैठक हो रही है। सीएम नीतीश कुमार की अंतिम कैबिनेट की बैठक 13 जनवरी को हुई थी। इसके बाद अब आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इसके बाद कल से सीएम को वापस से अपने समाधान यात्रा पर निकलना है और 15 फरवरी तक लगातार इनकी यात्रा जारी रहेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए आज ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इसमें आगामी बजट सत्र समेत कई एजेंडों पर मुहर लगने की संभावनाएं जताई जा रही है। समाधान यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट की बैठक करेंगे। इस बैठक में भी कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट की बैठक के समय में भी बदलाव किए गए हैं, जो 11:30 बजे से ही कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट की बैठक को लेकर संबंधित विभाग को तैयारियों के लिए भी निर्देश दिए गए थे पहले से ही। आपको बताते चले कि अगले महीने बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने वाला है, इससे लिहाजा उस पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावे भी कई एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। युवाओं को सरकार नौकरी और रोजगार पर भी मुहर लगा सकती है। हालांकि अंतिम रूप से कुछ डिसीजन होता है, ये कैबिनेट की बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। तो मतलब साफ है कि इन दोनों सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो अपनी समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं और यात्रा को लेकर वो लगातार सजग नजर आ रहे हैं। ऐसे में 13 दिनों बाद ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में क्या कुछ जो होता है उन सभी मुद्दों पर मुहर लगती है, उस सबसे हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप जुड़े रहे हैं NBC 24 के साथ।